नमस्कार। अभी 48 वर्ष के पहले के घटना क्रमों को याद करना थोड़ा कठिन ही होता है, लेकिन आपातकाल और उसके विरुद्ध के संघर्ष ऐसे हैं, उसके एक एक तफसील भी याद रखने वाले जैसे बात है। तो मैं उस समय बंगलुरु विश्वविद्यालय में एमए के विद्यार्थी था और जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन, जो पहले गुजरात और बिहार में विद्यार्थियों के आंदोलन देशव्यापी होते रहा, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता के नाते मैं भी उस आंदोलन में सहभागी रहा। जयप्रकाश नारायण मई के दूसरे और तीसरे सप्ताह में बंगलुरु में उनका प्रवास था, तो जयप्रकाश नारायण जी के लोकनायक जेपी के साथ बैठकर बातचीत करने का मौका भी हम लोगों को मिला था। उससे पहले भी सितंबर माह से ही हम लोग इस विद्यार्थी आंदोलन में लगे थे, इसलिए आंदोलन के बहुत सारे आयाम मेरे प्रांत में कर्नाटक में जो चल रहा था वो तो मुझे उस समय मालूम था। धीरे धीरे हम देश के अन्य भागों में भी क्या चल रहा है इस की जानकारी मिलती रही। भ्रष्टाचार के विरोध में, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाने के लिए एक संघर्ष के बिगुल बजाता, तो मई के अंतिम सप्ताह तक देश के अंदर विद्यार्थी युवा संघर्ष समिति ये बनी थी और देश भर में जनता संघर्ष समिति और विद्यार्थी युवजन संघर्ष समिति, ऐसे दो आंदोलन के मंच बने थे। जनता संघर्ष समिति में कई राजनीतिक पार्टियां और समाज के प्रबुद्ध लोग, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, ऐसे लोग देश के अंदर इस परिवर्तन के लिए जिनके चाह थी, जिनकी आकांक्षा थी, आग्रह था, ऐसे लोग उस समिति में थे और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और नौजवान लोग, युवक युवतियाँ विद्यार्थी युवजन संघर्ष समिति में सक्रिय रहे। मैं विद्यार्थी युवजन संघर्ष समिति के एक सक्रिय कार्यकर्ता के नाते कर्नाटक में बेंगलुरु केंद्र बनाकर मैं काम करता था। जैसे मैंने कहा, मैं एमए के विद्यार्थी था तो स्वाभाविक रूप से कैंपसों में घूमकर कार्य करना हमारा दायित्व था। जून के महीने में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं इस संघर्ष में हुई। इन तीनों के परिणाम आपातकाल लागू करने में हुआ। एक है, जून आते आते देश भर में जेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन देशव्यापी हो गया था वह अत्यंत प्रखरता के चरम पर पहुंच गया था। दूसरा, गुजरात में हुए चुनाव में इंदिरा कांग्रेस के एक दृष्टि से घोर विफलता हो गई, वो हार गई और जनता पार्टी उस समय के एक जनता मंच बनाए थे, जनता रंग कहते थे उसको, वो जीत कर आ गई। जून 12 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव में जो जीती थी रायबरेली से, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया, तो तीनों मोर्चे पर इंदिरा जी हार गई। एक है न्यायांग में, दूसरा है राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव में, तीसरा है जनता के बीच। इस कारण से उन्होंने इस एक्सट्रीम क्रम को, उन्होंने संविधान के अंदर जो प्रावधान है उसका उन्होंने उपयोग किया। 25 जून को रात्रि आपातकाल घोषित कर दिया। उन दिनों में के न मोबाइल, न टीवी, न कुछ था। आज के ज़माने के लोगों को उस समय के परिस्थिति को समझना आसान नहीं है। 50 साल पहले हिंदुस्तान में टीवी नहीं थी और कंप्यूटर्स नहीं थे, ईमेल और मोबाइल आज हैं तो वो नहीं था। तो न्यूज़ कैसे मालूम हुआ? बीबीसी से और आकाशवाणी से घोषणा होते ही पता चला।
हम लोगों को सुबह 6 बजे के न्यूज़ से समाचार मिला। संघ के शाखा में गांधीनगर बेंगलुरु में मैं और बाकी मित्र जो शाखा में थे, हमको शाखा जाते जाते ये समाचार मिल गया। पार्लियामेंट के कमेटी के काम के लिए अटल जी, अडवाणी जी, मधु दंडवते जी और एसएन मिश्रा जी ये बेंगलुरु आकर रुके थे। शाखा के समाप्ति होते ही हम लोग वहाँ गए और अटल जी, अडवाणी जी स्नान वान करके नीचे जलपान के लिए आ रहे थे। उनके आगे के कार्यक्रम के लिए उनको जाना था, तो हमने कहा इमरजेंसी हो गई। किसने कहा ऐसे, शायद उनको तब तक जानकारी भी नहीं थी या जानकारी होगी, उन्होंने पूछा। तो हमने कहा रेडियो में सुना हमने और ऐसे हुआ। तो अडवाणी जी तुरंत UNAPTA को फ़ोन लगाओ, ऐसे करके फ़ोन लगाना, स्टेटमेंट देना है फ़ोन पर इसके खंडन करते हुए। अटल जी ने कहा क्या कर रहे हैं, ने मैं स्टेटमेंट देता हूँ अपने तरह से वक्तव्य देना। अटल जी ने कौन छापने वाला है, तो अटल जी को पता चल गया था कि इमरजेंसी घोषित होते ही प्रेस संसार भी साथ साथ हो गया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट अगले कोई छापने वाला नहीं है। जलपान के लिए नहर जाते हुए वो अपने कमरे में वापस गए, हम भी पीछे पीछे गए। थोड़े समय के अंदर पुलिस आ गई, तो उस ऐतिहासिक क्षण के लिए मैं साक्षी रहा। अटल जी, अडवाणी जी, एसएन मिश्रा जी तीनों को पुलिस ने गिरफ्त करके हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन पर लेके गए, उनके ऊपर मीसा लग गया, हम लोग वापस गए, अंडरग्राउंड हो गए हम। तो जून के महीने में विद्यार्थी परिषद का अभ्यास वर्ग था, हम अंडरग्राउंड में ही उस अभ्यास वर्ग का आयोजन किया 3 दिन। वापस आने तक हम लोगों के ऊपर भी मीसा लग गया है ऐसे पता चला, तो हम भूमिगत हो गए। भूमिगत होकर मैं दिसंबर तक 6 महीने मैं भूमिगत रहा। जुलाई के 2 तारीख को संघ पर बैन हुआ, तो भूमिगत रहे, क्योंकि हम लोग मीसा में वांटेड है पता चल गया। कई लोगों को गिरफ्त करके लेके जाते थे, कुछ लोग DIR में, कुछ लोग मीसा में, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे 2 कानून। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में कोर्ट में जाने का और वहाँ आर्ग्यू करने का और शायद छूट भी जाने के प्रावधान है। मीसा में ऐसे कोई नहीं था, आपको चार्ज बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्या गुनाह है, और कोर्ट में जाने के आपके कोई अधिकार नहीं है। सब प्रकार के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड, ऐसे होने के कारण मीसा में रहने वाले व्यक्ति को अंदर उनका क्या हुआ ऐसे घर के लोगों को भी पता चलने चाहिए, ऐसे भी कोई प्रावधान नहीं था। तो ऐसे मीसा में लोग रहे। 3-4 प्रकार के विषय भूमिगत रहकर ये जो इमरजेंसी के विरुद्ध के संघर्ष है उसमें, एक जनता के साथ संपर्क कैसे रखना, जैसे मैंने कहा न फोन सर कर सकते थे न ये कर सकते थे, इसलिए जनता के साथ संपर्क रखना, कार्यकर्ता के साथ संपर्क करना, इसके लिए संघ और संघ प्रेरित संगठनों के जाल जो है उसका, हमारे जो घर घर के संपर्क के जो पद्धति है यह बहुत काम में आया। घरेलू संपर्क के जो पद्धति दशकों से संघ और संघ प्रेरित संगठनों में है उसका लाभ आंदोलन में लगे हुए अन्य राजनीतिक पार्टियां, अन्य संगठनों को भी इसका लाभ हुआ। मेरे पास बहुत ऐसे उदाहरण हैं, जैसे रविंद्र वर्मा जी बंगलुरु आए थे तो उनको कहाँ रखना और पुलिस को पता ना चले ऐसे उनको लेके आना और रेलवे स्टेशन से और सुरक्षित वापस भेजना, ये काम अत्यंत गूढ़ता से हम लोग कर सके। उसका कारण है संघ की कार्य पद्धति के अंदर ये जो घर के संपर्क था वो। दूसरी बात, लोगों का क्या चल रहा है ये पता नहीं चलता था, क्योंकि समाचार पत्र सब सेंसार के कारण केवल सरकार के अनुमति से छपने वाले समाचार छोड़कर बाकी कोई भी समाचार नहीं छपता था। कौन कहाँ अरेस्ट हो गया, किसका क्या हुआ, कोई पता नहीं चलता था। तो इसलिए एक भूमिगत साहित्य के छपने का, पत्रकारिता के एक जाल अपने नेटवर्क बनाने के एक बहुत सफल योजना बनी और उसके क्रियान्वयन हुआ, ये दूसरे एक बहुत
बड़ी उपलब्धि है अपने देश के इमरजेंसी के भूमिगत संघर्ष की। तीसरा है जिन लोगों के अरेस्ट किए या पुलिस स्टेशन में जेल में जिनके ऊपर अमानवीय दमन और हिंसा हुई या जेल में भी रहे हिंसा भले ही नहीं हो, जेल में रहने के कारण कई लोगों के आजीविका पर असर हुआ और उनके घरों में परिवारों में कमाई करने वाला नहीं है और वो जेल में है, तो इस कारण से जो परिस्थिति बच्चों के लिए परिवार के लिए था उसके संभालने का और उन लोगों के योगक्षेम की व्यवस्था करने के एक बहुत बड़ा काम था। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, संघर्ष करते हुए इस आपातकाल के विरुद्ध लोगों की आवाज़ खड़ा करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए जो योजना बनी उसको सफल बनाना। तो यह चार प्रमुख काम उन दिनों में मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी योजना से सफलतापूर्वक हम बना सके। कई बार मुझे लगता है ये क्रूरता का भी याद करना है क्या, मैं कारण बताता हूँ। संघ के तृतीय पूजनीय सरसंघ चालक बाला साहेब देवर्ष जी ने आपातकाल के पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक वक्तव्य उन्होंने दिया था अपने सार्वजनिक भाषण में। उन्होंने कहा फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो हो गया है उसको भूल जाओ, उसको क्षमा करो। लेकिन देश के इतिहास में जिस एक काला अध्याय के दौरान घोर दमन और अत्याचार हुए वह इतिहास के पन्ने पर है। कई पुस्तकें इस विषय में आई हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी कई लोगों ने लिखा है और संगठनों से भी इस प्रकार के साहित्य बाद में भी छपे हैं, इसलिए मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी वो है ही। तो इसलिए बाला साहेब देवर्ष जी ने जो अपेक्षा की थी उसको ध्यान में रखकर मैं थोड़ा दो चार बातें इस संदर्भ में बताऊंगा। क्रूरता और अमानवीयता बहुत व्यापक प्रमाण में कई जगह पर हुए। जिस प्रकार अपने देश की व्यवस्था, पुलिस के सरकारी प्रशासन की व्यवस्था ऐसे बर्बरता दिखा सकते हैं, इसका एक अनुभव आपातकाल में हुआ। हाथ दोनों ऐसे पीछे बांध कर ऊपर से उनको खींचना और वो जमीन से ऊपर जाता है जैसे फांसी के होता है, उस समय उनके पीठ पर उनके पैर पर लाठी से मारना, उस समय जो क्रूरता हुई तीन प्रकार की हुई। एक है जो अरेस्ट हुए उनके लॉकअप में हुआ, बहुत सारे व्यापक प्रमाण में जो हुआ वो पुलिस लॉकअप में हुआ, उनको जेल में भेजने से पहले। पुलिस लॉकअप में जो हुआ उसके जो हिंसा के प्रकार है, कैंडल से उस समय के आंध्र प्रदेश ने अभी तेलंगाना है आंजनेयलु एक कार्यकर्ता उसके शरीर के लगभग 100 जगह पर उनको जलाया कैंडल से, उनसे कुछ मुंह से कहलवाने के लिए बुलवाने के लिए। किसी को नारियल के उसके अंदर कीड़े रखकर उसको यहां बांध दिया नाभि के ऊपर, या जैसे मैंने कहा पुलिस भाषा में एरोप्लेन कहते हैं, गोली कहते हैं, चपाती कहते हैं, ये सब अलग अलग प्रकार के हिंसा के जो टॉर्चर के अलग अलग प्रकार है। ये सीधा बिठाकर उसके ऊपर रोलिंग करो, तरह तरह के हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दो या इसमें पिन से अंदर एक उसे दो। तो इस प्रकार के भयानक करने के कारण लोगों को, एक को कर रहे हैं तो दूसरे यहां बैठकर देखता है तो उसको अगला मेरा है ऐसे लगेगा ही, जो मेरे सामने भी हुआ है। तो बहुत लोग जो जेल में आए ऐसे लोगों का उस समय
जेल के अंदर रह कई लोगों को आने के बाद लॉकअप में 3 दिन 4 दिन जिस प्रकार उनके साथ अमानवीय अत्याचार हुए, वो उस स्थिति में जेल में आने के बाद उनको 10 दिन 15 दिन मालिश करना, ये करना, ये सब महीने तक किया। कुछ लोग जीवन भर विकलांग हो गए, कुछ लोगों के जीवन भर किसी न किसी प्रकार की व्याधि हो गई, कुछ लोगों को जीवन भर आंखें चली गई, तो ये हुआ है। हमारे कई मित्र ऐसे हुए, वैसे मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ, हमारे आंखों के सामने हुआ है। तो जिनको ऐसे हुआ उन्होंने बाद में किसी भी प्रकार के, उनके मुंह से कोई अपशब्द नहीं आए और उन्होंने इस आंदोलन से दूर नहीं गए, या उनके घर के लोग संगठन को नहीं छोड़े। कर्नाटक में राजू करके एक उसके हत्या हो गई पुलिस स्टेशन के अंदर। तो ऐसे कई प्रकार के लॉकअप की जो हिंसा है ना, वो देश भर में बहुत जगह पर हुए हैं। दूसरा एक है कि बाहर होने वाले, मैं बंगलुरु के एक घटना जानता हूं, मैं बहुत सारे देश भर के भी मालूम है। ओम प्रकाश कोहली जी दिल्ली में थे, जो गवर्नर रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी थे। दिल्ली के एक तिहाड़ जेल में, सब जानते हैं कि ओम प्रकाश कोहली जी थोड़ा सा दिव्यांग थे चलने में, उनको पुलिस ने लात मारा जेल के अंदर लॉकअप में। उनके साथ अत्यंत अपमान कर व्यवहार किए, वो कॉलेज के प्रोफेसर थे। खड़े होना मुश्किल था ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे किए, ऐसे देश भर में हुए। तो बंगलुरु में एक गायत्री करके एक महिला, उन्होंने सत्याग्रह किया, सत्याग्रह करने के बाद उनको अरेस्ट किया, जेल में ले गए। 15 दिन के बाद उनके, वो सत्याग्रह करते समय वो आई थी, वो गर्भवती थी, तो वो सत्याग्रह की, लॉकअप में लेके जाने के बाद उनके प्रसव वेदना जब हुई तो हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में उनको पलंग पर सुलाए थे, तो डिलीवरी उनकी जो हुई उस समय उनके दोनों पैर को जंजीर से बांधा हुआ था। उन बातों को आज याद करने से अपने मन अनावश्यक यात्रा में या खराब से यह होता है। तो गर्भवती महिला कहीं भाग जाएगी ऐसे तो नहीं है, और डिलीवरी हो गई तो उनको बांध के रखने की क्या जरूरत थी। उत्तर भारत में व्यापक प्रमाण में नसबंदी क्या हुआ, पकड़ पकड़ कर किए, 20 पॉइंट प्रोग्राम थे उस समय के। सरकार के प्रशासन के चलाने वाले चौकड़ी थी, उसमें जो भी लोग थे उन्होंने नसबंदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण करने के, उन्होंने जिस प्रकार के आपातकाल के उपयोग किया जबरदस्ती, यह घोर अमानवीय और मानवाधिकार के विरुद्ध के इतिहास के पन्नों पर हमेशा एक काला धब्बा है। शाह कमीशन के सामने भी यह सब बाद में आया था, जेल के अंदर भी हुआ,
जेल के अंदर बाकी जो कैदी रहते हैं, क्रिमिनल केसेस में आए हैं, उन लोगों को राजनीतिक कैदियों के खिलाफ उकसा कर, उन लोगों के झगड़ा करवा के, उनसे मारपीट करवाया, उनके हाथ में सब प्रकार की चीजें हैं, ये राजनीतिक कैदियों के पास निहत्ते थे, जेल के अंदर ऐसे जानबूझकर करवाने का प्रयत्न किया, झगड़े हो गए ऐसे। बल्लारी जेल में लगभग 25 लोग हाथ के पैर के हड्डी टूट गई, महीनों तक उनको अस्पताल में रखना पड़ा। जनसंघर्ष समिति जो बनी, वो लोक संघर्ष समिति LSS कहते थे, ऐसे हुआ। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व के आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, उस समय एक समिति बनी, जनता संघर्ष समिति, वो आंदोलन के लिए था। उसके सामने कुछ मांगे थी, देश के अंदर एक संपूर्ण क्रांति की आवाज जयप्रकाश नारायण जी ने उठाई थी। उन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के सामने एक लोकतंत्र के तहत एक आंदोलन करने के लिए मंच बना था। जब आपातकाल घोषित हो गया, लोक संघर्ष समिति करके नहीं बनी। इस आपातकाल के विरुद्ध पहले संघर्ष करना है, पहले के डिमांड तो थे ही, तो इसलिए आपातकाल के विरुद्ध के संघर्ष के लिए पहले जो संघर्ष समिति बनी, लोक संघर्ष समिति, उसके सेक्रेटरी थे नानाजी देशमुख। तो उस नानाजी देशमुख अगस्त के 75 में उनकी गिरफ्तारी हो गई। उनके गिरफ्तार होने के बाद रविंद्र वर्मा जी उसके सचिव बने, महासचिव। उनके भी अरेस्ट होने के बाद माननीय दत्तोपन ठेंगड़ी जी उसके सचिव बने। दत्तोपन ठेंगड़ी जी अंत तक अरेस्ट नहीं हुए, भूमिगत रहे, उनको पुलिस पकड़ नहीं पाए। तो पुलिस को पता नहीं चलना, यात्रा करना, अलग नाम से करना, वेश बदल कर करना, ये सब हमने किया था उन दिनों में। जैसे भूमिगत आंदोलन के तरीके होते हैं वो सब किए हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री के बारे में कहते, उस समय वो सरदार बनकर घूम रहे थे, ऐसे देश भर के लोग अलग अलग प्रकार से वेश पहनकर हम जाते ही थे। लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के अंतर्गत ही अपने को संघर्ष करना चाहिए, संविधानात्मक ढंग से ही करना चाहिए। बंदूक उठाकर क्रांति नहीं करनी है, शस्त्र उठाकर संघर्ष करके आपातकाल का विरोध करना ये गलत है, ऐसे समिति के स्पष्ट अभिप्राय था। लोगों को हिंसा के मार्ग पर नहीं लाना, यह स्पष्ट निर्देशन था। सत्याग्रह नवंबर 14 तारीख से प्रारंभ करना ये तय किया। सत्याग्रह ने कैसे, किसी भी सड़क के चौराहे पर या किसी जगह पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, जितने संख्या में हो सकते उतने संख्या में लोग आना, आपातकाल के विरुद्ध में दो चार नारे लगाना, अपने डिमांड जो है उसके नारे लगाना, पुलिस आएंगे पकड़ेगी लेके जाएंगे, सत्याग्रह करना, जेल भरना, यह तय था। और यथासंभव साहित्य पर्चे उसको लोगों को दे देना, क्योंकि हमको देने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, ओपनली हम नहीं दे सकते थे। इसलिए सत्याग्रह के लिए जाते समय जेब में, थैली में पर्चे रखो, उसको सबके लिए दे दो। तो ये सत्याग्रह के तरीके थे, तरह तरह के सत्याग्रह हुए और भी हुए। इस आपातकाल को जनता ने स्वीकार नहीं किया है, यह लोकतंत्र के विरुद्ध है, लोकतंत्र के दमन हो गया है, इसलिए इसके लिए विरुद्ध आवाज उठाना, समाज मरा नहीं है, यह स्तब्ध नहीं है, ऐसे दिखाना, यह बहुत बड़ा एक उद्देश्य था सत्याग्रह का। लगभग 49,000 से अधिक लोग सत्याग्रही अरेस्ट हुए। संघ इस सारे जयप्रकाश नारायण आंदोलन में और बाद में संघर्ष के संदर्भ में, आपातकाल के विरुद्ध के संघर्ष में काम किया है। संघ के समर्थन में बहुत सारे, जैसे मैंने पहले कहा, देश भर में नेटवर्क बना, तो इसलिए संघ को दमन करना यह मुख्य बात होने के कारण अन्य 25 संगठन के साथ संघ को भी बैन कर दिया था। इसलिए संघ पर प्रतिबंध लगाना और संघ के दमन करना, यह सरकार के वरिष्ठों के, नेताओं के, प्रधानमंत्री उस समय के, उनके स्पष्ट उद्देश्य था। तो इसलिए संघ को दमन करने के लिए उन्होंने स्वयं सेवकों के पुराने सूची उनको मिली,
कहीं किसी के डायरी में मिल गई या कार्यालय उन्होंने बंद करवाए इमरजेंसी के बाद कार्यालय पर जाकर उसके सब राइड किए, कार्यालय के ऊपर ताला लगाया, तो कार्यालय के अंदर जो सूची आती स्वयंसेवक सूची गुरुदक्षिणा के कार्यकर्ताओं की सूची है, ऐसे लोगों के सूची पकड़ पकड़ कर उन्होंने उन घरों में गए, तो घर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी लेके आए, तो इसलिए उनको संघ की व्यवस्था के पद्धति की सूची का लाभ उनको मिला, तो वो भी किया है। कई जगह पर के संघ के कार्यकर्ता सरकारी या कॉलेज में नौकरी में है, बैंक में नौकरी में है, तो दबाव डालकर उनको वहां से ये किया, तुमको सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, इस प्रकार के उनके नौकरी के वगैरह वगैरह किया, या व्यापारी वगैरह है तो उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार से कानून से कई लोगों को दबाव डालने का प्रयत्न किया। दूसरा और एक है कि सामान्यतः जो टॉर्चर हुआ है, अधिकतर टॉर्चर जो पुलिस लॉकअप में हुआ वो स्वयंसेवकों पर ही हुआ है। इसके दोनों कारण हैं, एक है भूमिगत काम में सक्रिय स्वयंसेवक अधिक थे इसलिए वही पकड़े गए, वो पकड़े गए तो उनका किया। दूसरा उनको लगता था कि ये इनसे बहुत जल्दी हम बुलवाएंगे, अंडरग्राउंड लिटरेचर छपता था उदाहरण के लिए, कहाँ छप रहा है पूछेंगे, तो स्वयंसेवक बोलता नहीं था, तो उनको टॉर्चर करने के बाद भी स्वयंसेवक के मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, तो इसलिए उनका अधिक टॉर्चर इस कारण से भी हुआ। एक है स्वयंसेवकों की निष्ठा के कारण, स्वयंसेवकों की संख्या के कारण, बहुत भरे स्वयंसेवक का इसमें एक बड़ी संख्या ऐसे हैं जो नित्य के शाखा में नहीं थे, कई वर्ष पहले वो शाखा के नित्य के काम में थे, किसी न किसी कारण से व्यक्तिगत कारण से तबादले हो गए, घर के कुछ कठिनाई के कारण वो नित्य शाखा के काम में नहीं होंगे, लेकिन वो स्वयंसेवक तो था। ऐसे लोग बहुत एक हमारे लिए गर्व के विषय है, बहुत बड़ी संख्या के ऐसे स्वयंसेवक का आपातकाल में भागे नहीं, दूर नहीं गए, उल्टा वो सक्रिय हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, देखो हम स्वयंसेवक है, पुलिस को पता नहीं है, क्योंकि हमारे नाम अभी सूची में नहीं है, इसलिए हमारे घर का उपयोग करिए, हमारे घर में भूमिगत कार्यकर्ता रुके, भोजन करे, क्योंकि हमारे घर पुलिस के राडार में नहीं है, ये कहने की हिम्मत कार्यकर्ता स्वयंसेवकों ने की उस समय। ऐसे कई स्वयंसेवकों ने जो जेल में रहे सत्याग्रह करके या ऐसे ही अरेस्ट होकर जो गए, उनके परिवार के संदर्भ में जगह जगह पर सूची बनाकर उनके घर में महिला है, बच्चे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था वगैरह करने के लिए उन्होंने लिस्ट बनाई, अपने तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए, अपने घर से कुछ व्यवस्था आर्थिक सहायता की, ऐसे जगह जगह पर इसके कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की, तो इस व्यवस्था के कारण बहुत सारे स्वयंसेवकों के घर में भले ही कमाई करने वाला व्यक्ति नहीं था, कुछ न कुछ ऐसे मदद हुई। ऐसे भी हैं दो चार जगह पर लड़की की शादी तय हो गई थी, तो ऐसे भी मुझे मालूम है कई घटनाएं ऐसे हैं, स्वयंसेवकों ने बाकी लोगों ने वो शादी न रुके न टूटे, भले ही वो जेल में है पिताजी चिंता मत करो, ऐसे करके खड़े होकर शादी भी करवाई, तो ये कार्यकर्ताओं ने किया है। दूसरे संगठन, दूसरे पार्टी, उनके लिए भी स्वयंसेवकों ने किया है, संघर्ष में जो थे उन सबके लिए करना यह था। जेल में रहने वाले संघ के प्रमुख कार्यकर्ता सामान्यतः अपने संघ के स्वयंसेवकों को बाहर के जब मिलने वगैरह आते थे जेल में, यही उन्हें बताया, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसलिए मुझे याद है सर्वोदय के दो कार्यकर्ताओं के घर में कर्नाटक में जब परिस्थिति अच्छी नहीं थी, संघ के स्वयंसेवकों ने उनकी व्यवस्था की। मैं ये नहीं कहना चाहता उसको कोई क्रेडिट नहीं लेना है, संघर्ष में हम सब साथ हैं, एक दूसरा। और एक था संघर्ष के लिए भी राशि चाहिए थी, लिटरेचर छपना है, प्रवास करने हैं, ये सब करना था, संघर्ष के लिए जो संघर्ष निधि चाहिए थी वो भी स्वयंसेवकों ने समाज से इकट्ठा की। किसी भी देश में लोकतंत्र जहां है वहां लोक की आवाज को दमन करने के, कुचलने के कोई भी प्रयत्न
वह सफल नहीं हो सकता। और कुछ समय के लिए आप दमन कर सकते हैं, जैसे 20 महीने आपातकाल रहा, लेकिन दमन नहीं हो सकता। लोगों की आवाज हमेशा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो बुलंद रह सकती है, उसको बुलंद रहना चाहिए। आपातकाल के विरुद्ध के संघर्ष क्यों सफल हुआ? क्योंकि इस प्रकार लोगों के जागरूक रखने के और एक संगठनात्मक नेटवर्क रखने के उस समय के नेतृत्व ने इस विषय के बारे में लोगों के लिए योग्य मार्गदर्शन दिया, ऐसे लोगों को तैयार किया था। उस आंदोलन में विशेष करके ये विद्यार्थियों के, युवजनों के एक आंदोलन से देश भर में एक परिवर्तन के लिए आंदोलन चला। इसलिए देश के नौजवान विद्यार्थी और नौजवान लोग देश समाज के बारे में जागृत रहकर समय समय पर अपने आवाज को उठाना, सही दिशा क्या है इसके बारे में निर्णय करते हुए एक प्रबल जनशक्ति की आवाज बनना, यह यदि हमेशा उनकी ट्रेनिंग रहना ये होता है तो समाज के लिए हमेशा वो एक रक्षा कवच बनता है, एक आशा दीप बनता है। तो मुझे लगता है वो होना चाहिए हमेशा। दक्षिण भारत में उसके नेतृत्व दिए माननीय होवे शेषाद्री जी ने, बेंगलुरु केंद्र था उनका, पूरे दक्षिण भारत के उस समय 4 राज्य थे, अभी तो तेलंगाना आंध्र मिलाकर 5 राज्य हो गए। उन 4 राज्यों के उस समय पूरे उन्होंने साहित्य के नेतृत्व उन्होंने दिया। कैसे? जगह जगह पर हमने प्रेस ढूंढे, रात को प्रेस काम करना और प्रेस काम करना आवाज नहीं आना तो इसलिए बहुत उसके लिए मशक्कत करने पड़ती थी। तो 2 पन्ने के 4 पन्ने के पत्र पत्रिकाएं छपवाना, उसमें न्यूज आइटम अन्यान्य देश के अन्यान्य भागों में क्या चल रहे हैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ये जानकारी इकट्ठा कैसे करना? वो थोड़ा सा हम कुछ फोन का भी उपयोग किए, भूमिगत इसमें अलग अलग नाम से किए, प्रवास करने वाले लोगों से लिखवा कर लाते थे, एक नेटवर्क का शुरू किया था। इसके लिए ही कुछ कार्यकर्ता प्रवास करते थे, वो बाकी कोई उनके बैठक लेना, सत्याग्रह की तैयारी करना, वो काम उनके पास नहीं था। वो एक दृष्टि से पत्रकार जैसे अंडरग्राउंड पत्रकार कार्यकर्ता थे, वो कोई पत्रिका क्षेत्र के सभी नहीं थे, लेकिन न्यूज कलेक्ट करके उसको लिखना। और लेखक लोगों को एक जगह जगह पर बनाते, 2 बार लेखक लोगों के कार्यशाला किए कर्नाटक में, उन दिनों में तो मैं तो कर्नाटक में था, ऐसे देश के अन्य भागों में भी जरूर किए होंगे। हम अलग अलग नाम से, उदाहरण के लिए कर्नाटक के 4 जगह पर या महाराष्ट्र में अलग अलग नाम से अंडरग्राउंड की पत्रिकाएं छपती थी, मराठी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, हिंदी में, उस राज्य में। वो नाम भी अलग अलग थे, कर्नाटक में कन्नड़ में ही 3 नाम से 3 जगह पर छपते थे। हाँ, उसका छपने के बाद 2 प्रकार के छपना, एक है प्रिंटिंग प्रेस, वो आवाज करता है, पुलिस पकड़ सकते हैं, इसलिए हाथ से साइक्लोस्टेल करना, घुमा घुमा कर साइक्लोस्टेल करना, रातों रात काम करते थे, 1,000 प्रति निकालना रात भर काम करके। उसको सुबह 3:30-4 बजे से 5 बजे के बीच सामान्यतः जाना सड़क पर, घर के गेट के पास जहाँ पेपर रखते वहां डाल देना, ऐसे हम करते थे। तरह तरह के किए, वो सिनेमा देखने गए, उदाहरण के लिए मतलब कैसे किया, एक जगह पर सिनेमा देखने के लिए 4 लोग गए, हाथ में वो पत्रिका के जेब में वह सब रखे गए, तो वहाँ बालकनी सीट में गए ऊपर के, तो वहाँ से उसको धीरे धीरे ऐसे नीचे कर दिया। तो कई जगह पर बालकनी ऐसे होता है, तो बालकनी के ऐसे किया तो नीचे करके अंधेरे में बाहर चले गए, तो वो सारे पेपर नीचे गिर गए, इतने लोगों के हाथ में गए। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके अलग अलग थे। जेल में सुबह से शाम तक कैंप जैसे हम चलाते थे, 2 प्रकार के कैदी थे, जो इमरजेंसी के कैदी आपातकाल के, तीसरे प्रकार थे जो अन्य अन्य प्रकार के क्राइम्स करके अपराधी जो आते थे समाज में, हमेशा जो जेल में DIR जिनके केस चलते हैं कोर्ट में लेके जाते हैं, ऐसे DIR के जो कैदी हैं वो अलग हैं, उनके 1 महीने या 15 दिन के लिए जेल से, जैसे कई बार छूट जाते थे, बेल में जाते थे, ऐसे होता था। मिसा के हैं,
वो मिस्र के लोगों के ऊपर कोई चार्जशीट नहीं, उनको ना कोर्ट है, ऐसे चलता था। तो इसलिए मिस्र में रहने वाले लोगों के जीवन शैली अलग थी। तो मिस्र में रहने वाले लोग आए तो बाहर जाएंगे, कब जाएंगे कोई पता नहीं है। बीच में एक बार ऐसे था, निरेन डे सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक आर्ग्यूमेंट किया और उनके आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया। आर्ग्यूमेंट क्या था उनका, मिस्र के लोगों देश की सुरक्षा के लिए उनको है, हम उनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं और कब तक रहना है इसकी कोई गारंटी नहीं है, दे में एंड देयर लाइफ इन जेल, ऐसे एक वाक्य उनका था। दूसरा उन्होंने कहा, तो आर्ग्यूमेंट ऐसे किए, यदि देश की सुरक्षा के लिए उनको जेल के अंदर भी शूट किए तो भी कोई अपराध नहीं है सरकार पर। जेल में अंग्रेजों के जमाने के कानून बहुत है, अब ठीक हो गया है, वो कानून ही चलता था। अंग्रेजों ने उस समय जो किया था वो कानून चलते थे, तो जेल के अंदर संघर्ष किए, इस कानून के खिलाफ भी अंदर उसके लिए ज्ञापन देना, उसके खिलाफ करना, वही सत्याग्रह ने अंदर अनशन करना, ये सब किया। तो इस कारण से कुछ कानून बदलना पड़ा प्रशासन को, कुछ चीजें संविधान के बारे में एच.वी. कामत जी ने एक कहा, इट इज नॉट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट मेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज एंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे लोकसभा के सदस्य एच.वी. कामत थे, उन्होंने कमेंट किया सरकार ने क्या किया संविधान के साथ, इट वाज ऑलमोस्ट एंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट तो उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट जो आए उस अमेंडमेंट में बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने किया। कुछ बातें ऐसी थी जो प्रियाम्बल में जोड़ दिया उन्होंने, संविधान के प्रस्तावना में पहले से नहीं था, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का, इन दो शब्दों को उन्होंने जोड़ा, वो आज तक है। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न भरपूर किए उस समय, और 5 वर्ष के जो लोकसभा के कार्यकाल है उसको 6 साल किया, 1 वर्ष ज़्यादा कर दिया था। तो वो सारी चीज़ें जनता सरकार आने के बाद उसको फिर से संशोधन करके वापस किया। देश के इतिहास में आपातकालीन संघर्ष को एक दृष्टि से द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम, ऐसे कई लोगों ने उस समय कहा है, आज भी कई बार लगता है यह सही व्याख्या है। विदेशी शासन के खिलाफ एक संघर्ष हुआ, वो लंबे चला, एक स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, लेकिन देश के अंदर के ही अपने लोगों ने संविधान के प्रावधान को दुरुपयोग करके देश के लोगों के आवाज़ को दमन करने के, और जयप्रकाश नारायण जैसे जिनके जीवन इतने स्वच्छ है, ऐसे व्यक्ति को भी दमन करने के जो प्रयत्न हुआ, और सामान्य लोगों को तो हुआ ही, तो यह एक दृष्टि से द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम कहना ये योग्य है, ऐसे मुझे लगता है। ये आपातकाल क्यों हुआ, देश में आपातकाल होते, जब देश असुरक्षित है तो आप आपातकाल करिए, व्यक्ति या पार्टी असुरक्षित है, अस्थिर है, उसके लिए संविधान का उपयोग करना या दुरुपयोग करना, यह लोकतंत्र में कभी भी नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा कहना है लोकतंत्र यह सुरक्षित है अपने देश के संसदीय व्यवस्था, संविधान वगैरह वगैरह, वो तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर जागृत समाज और उनको जागृत रखने के कार्य करने वाले समाज के गैर राजनीतिक नेतृत्व, उनके जीवन के स्वच्छ निस्वार्थ और देशभक्ति के उनकी प्रखरता, यह यदि है तो समाज के लोग भी ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े होते हैं। इसलिए हमेशा देश के लिए इस प्रकार के नेतृत्व समाज में हर क्षेत्र में रहना चाहिए, वह देश के लिए भरोसा है।